गाइस वेलकम बैक टू बिकम टुडे, फिर से सभी का स्वागत करते हैं फिलर्स में। तो पहला क्वेश्चन सचिन से, आई डैश ब्लड इन द हॉस्पिटल टुमारो, पहला हैव डोनेटेड, दूसरा वाज डोनेटिंग, तीसरा विल डोनेट और चौथा है डोनेटेड। विल डोनेट क्यों होगा? क्योंकि जब जानते टुमारो का प्रयोग हो, द फॉलोइंग डे का प्रयोग हो, इस तरह जितना भी यूज होता है तो वहां पे विल का प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है। तो आई सेल डोनेट होता, लेकिन आजकल विल धड़ल्ले से यूज होता है सब के साथ। चूंकि पहले होता था एगो, आप लोग ने जानते होंगे, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, आपका अंग्रेजी क्या होता है, लेकिन तू का अंग्रेजी क्या होता है नहीं बता पता था, दाऊ। ठीक है, हम लोग को रटवाया जाता था, आई वी यू यू दाऊ यू ने भारी भूल गए, मतलब हम लोग को बहुत अच्छा तरीके से बताया गया रटने का तरीका, जैसे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका किलोमीटर, उसी तरह का अंग्रेजी का भी रूल होता था कि कैसे रटना है। ठीक है, तो पुराना गुरुजी जो होता था ना वो खतरनाक होता था, अन्य कहीं जितना गुरुजी आया है ना उसको कुछ नॉलेज नहीं है, उसको वो खाली ग्रामर पढ़ लिया उसी को बता दे रहा है। लेकिन पुराना में आप मैथ पढ़ते, जैसे वही नहीं बोले चंदर एक पक्ष दो तो बाण तीन या क्या इस तरह लेता था, सागर चार नेत्र तीन होता है, तीन को दिख रहा है नेत्र दो तीसरा मतलब भगवान शंकर का, तो इस तरह से पढ़ाते थे गुरुजी। और हम अब हम लोग जो पढ़ाते हैं कुछ नहीं जानते हैं, क्या पढ़ाएंगे पता है, अभी देखो नेत्र में कन्फ्यूजन, सागर चार, ठीक है पांच को क्या होगा पता नहीं, भूल गए, दिशा दस लास्ट होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे होगा विल डोनेट। ठीक है, आई एम ऑलवेज डैश फॉर गुड बुक्स, पहला लुकिंग आउट, दूसरा लुकिंग डाउन, तीसरा लुकिंग आफ्टर और चौथा लुकिंग इनटू। लुकिंग आउट होगा, हाँ लुकिंग आउट बिल्कुल सही होगा। लुक आउट का मतलब होता है भाई किसी चीज के प्रति सचेत या सावधान रहना। कल ही बताए थे कि जिस किसी भी वर्ब में प्रीपोजिशन लगने के बाद उसका मीनिंग चेंज कर दे, अपने सही मीनिंग को चेंज कर दे, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे लुक मतलब होता देखना, लेकिन लुक इनटू का मतलब था जांच करना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, लुक डाउन मतलब किसी को तुच्छ समझना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा लुक आउट। द लिटिल पपी वॉज डैश बाय स्पीडिंग कार, पहला रन अवे, दूसरा रन इनटू, तीसरा रन ओवर, चौथा रन एट। रन ओवर, तो जब तक जानोगे नहीं तो रन ओवर का होगा कि रन ओवर मतलब उसको दबा के कुचल करके चला जाना। ठीक है, तो यहाँ पे रन इनटू मतलब किसी विशेष स्तर पर पहुंचना, रन अवे मतलब भाग जाना, रन ओवर मतलब किसी को कुचल देना। बुझे, देखिए मीनिंग से कितना अच्छा समझ में आता है। तो जो भी बनेगी मतलब जो मीनिंग जैसे होगा वो सारे चीजों को, और वही चीज ग्रामर में CHSL में आता है, वही आपका CGL में आता है, वही CPO में आता है, वही आपका फेज 11 12 जो भी आएगा फेज वाला में आता है, वही आपका स्टेनोग्राफर में आता है, और वही आपका MTS में आता है, वही आपका अगर अच्छा कर लेते तो वही बैंक में भी उसी तरह बनता है। बैंक का थोड़ा सा अलग रूल है, बता देंगे एक दिन, है खाली एक दिन बता देंगे, कब बताएंगे पता नहीं। ठीक है, द टीचर्स वुड लाइक डैश ए लॉन्ग हॉलीडे, पहला हैविंग बीन, दूसरा टू हैव, तीसरा हैव और चौथा हैविंग फोर। टीचर्स वुड लाइक डैश ए लॉन्ग हॉलीडे, तो क्या सेट होगा वहां पे, हैविंग बीन या टू हैव या हैव या हैविंग फोर, टू हैव मतलब होता है टीचर्स वुड लाइक टू हैव ए लॉन्ग हॉलीडे, टू हैव मतलब होता होना लेना इस तरह से। जैसे आई हैव ए कप ऑफ टी, इसका मतलब मैं चाय लेता हूँ, आई टेक टी होता है, आई ड्रिंक टी होता है, नहीं आई टेक टी आई ड्रिंक मिल्क, अच्छा टेक टी क्यों होता है, ड्रिंक टी क्यों नहीं होता है, क्योंकि ड्रिंक का मतलब था घट 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 पीना, और वो टेक मतलब था चुस्की मार के पीना, क्योंकि आप घटघटवाएंगे तो आपका गला ना फंस जाएगा मतलब जल जाएगा, इसीलिए टेक टी होता है। हम लोग के गुरुजी बताए थे जब हम पढ़ते थे वहां पे कि बहुत अच्छे से बताते थे वो लोग, क्या बोले वो सर लोग ही गजब थे, मतलब पुराने जमाने के सर थे लेकिन तरीके से इंग्लिश बताते थे जी। पर अभी के टीचर भी बोले कि कुछ नॉलेज नहीं है, हम बहुत अंग्रेजी जानते लेकिन हम बता नहीं पाएंगे कैसे बताना है, सोचिए वो कितना बढ़िया से बताते थे कि टेक क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेक करेंगे ड्रिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारा गला जल जाएगा,
समझेगी नहीं, इसलिए आप चाय दूध को हम लोग घटघटवा के पीते, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ऐसे थोड़ा पीता है कि गर्मी पी गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डैश वेरी बिजी लेटली, पहला ऑप्शन वुड बी, दूसरा हैव बीन, तीसरा विल बी और चौथा शुड बी। क्या हो जाएगा? हैव बीन, आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, हाल ही, लेटली मतलब हाल ही में बहुत बिजी हूँ, बिजी रहा हूँ। आई वॉच्ड हिम डैश टू फॉलिंग, टू फॉल फेल, तीसरा फेल और चौथा फॉल। फेल तो गलत हो गया, ये फॉल होगा। ठीक है, आई वॉच्ड हिम फॉल, वॉच के साथ, वॉच के साथ, मैक के साथ हमेशा क्या लगता है? डायरेक्ट V1 लगता है, डायरेक्ट V1, इसको कहता है बेयर इन्फिनिटी, यानी जिस इन्फिनिटी मतलब 2+V1, बेयर का मतलब नंगा, जो बिना टू लिए लगे तो उसको कहता है बेयर इन्फिनिटी। आगे है ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मैन हॉल, हैड हैंग्ड, हंग, हैंग या हैंग्ड। हंग, हाँ, एक होता है हैंग मतलब फांसी पर लटकाना, और एक हैंग होता है लारना, किसी पर टंगना करना। ठीक है, तो कौन ला हैंग होगा बताइए? अगर हम लोग टांगने ला करेंगे तो हैंग हंग हंग, और अगर फांसी लगा तो हैंग हैंग्ड, हैंग्ड इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे कि किसी को फांसी दे रहा है तो हैंग्ड टिल डेथ, जब तक मर न जाए उसको आगे बढ़ते हैं। डैश यू लाइक सम वाटर, तो पहला है डू, दूसरा वुड, तीसरा सेल्फ, चौथा कैन। वुड होगा, तो क्या आ जाएगा? वुड यू लाइक सम वाटर है। आगे आगे दो को मात्र बचा। सैलेस फाइनली डिसाइडेड टू टेक ए बैक सीट एंड लेट हिज सन डैश द फैमिली बिजनेस, रनिंग, टू रन, तीसरा विल रन, चौथा रन। रन हो जाएगा, रन बिल्कुल सही, दूसरा कोई सेट ही नहीं होगा है। और लास्ट आज का, रचना वाज एंग्री विथ हर फादर बिकॉज ही डिड नॉट टेक हर टू द जू एज ही डैश, प्रोमिस, प्रोमिसेस, हैड प्रोमिस्ड, इज प्रोमिसिंग। हैड प्रोमिस्ड, तो हैड प्रोमिस्ड बिल्कुल सही। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का फिलर्स। उम्मीद करते हैं हर वीडियो, चाहे कॉमन एरर, कोई भी वीडियो जो विक्रम ट्यूटोरियल में आ रहा है, विक्रम ट्यूटोरियल गर्दा उड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो आ रहा है, तो कंपटीशन से जितने भी तैयारी करने वाले, चाहे पटना, दिल्ली, बिहार, जहां भी, कितने भी, जहां के भी क्षेत्र हिंदी भाषी को, हमारे चैनल को देखें, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले क्यों स्टूडेंट क्यों नहीं हो, सभी को देखें, क्योंकि वहां पर सारा इंग्लिश ही रहता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।